तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पे झूठी मेहनत मत करो भाई। आज हम आपके यहाँ पे सर नहीं है भाई है। अगर आप स्टूडेंट जी हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, स्पेशल आप ही को जाते हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट हैं तो आपसे भी निवेदन है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए आप सभी में ये वीडियो जो है ना, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट की होने वाली है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वीडियोस आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आएंगे। आपको खुद में इम्प्रूव देखने को मिल जाएंगे भाई। आज जो रियलिटी चल रहा है ना इस दुनिया में, स्टूडेंट को देखते हुए रियलिटी जो चल रहा है ना, वो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है ना। क्या बताएंगे, देखिए अगर आप स्कूल के स्टूडेंट जी हैं या बोर्ड्स के स्टूडेंट जी हैं या फिर यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट जी हैं, तो आप सभी को यहाँ पे हम कुछ ऐसे बताएंगे एग्जाम्स को देखते हुए जो कि आप खुद में खुद को तलाश कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हम ज़्यादा बातें इधर उधर घुमाएंगे नहीं, सीधे पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट की बात क्या है कि हम बोर्ड्स के स्टूडेंट को देखते हुए यहाँ पे कुछ कहने जा रहे हैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जाम दो, फाइनल एग्जाम 12 मंथ के बाद होता है, 12 मंथ पे होता है, 12 महीने पे फाइनल एग्जाम होता है। अब बहुत से स्टूडेंट जी क्या करते हैं, अभी से वो पढ़ाई नहीं करते हैं, अभी से होमवर्क नहीं करते हैं, अभी से रिवीजन नहीं करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी से वो उस तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं जिस तरह से एग्जाम से, फाइनल एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, उस तरह से वो अभी से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं वो थोड़ा कड़वी है लेकिन सुन लीजिएगा, बिकॉज सच है, सच तो आपको सुनने ही होंगे। अभी क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट जी, क्लास से आते हैं, चाहे वो कोचिंग क्लास हो, स्कूल क्लास हो या कॉलेज क्लास हो, क्लास से आते हैं नोटबुक रख दिया, फ़ोन लिया एंड्रॉयड फ़ोन, यहाँ पे बेकार की शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे, इंस्टा जाएंगे, फेसबुक जाएंगे, व्हाट्सअप जाएंगे, ना जाने किससे किससे चैट करेंगे, किससे क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो 90% की हम बात कर रहे हैं, 90%, 100% की बात नहीं कर रहे हैं। आपको जो गुस्सा लगे गुस्सा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम 90% की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ 100% हम नहीं कह रहे हैं। बच्चे 2 महीने एग्जाम भैया, 10 महीने तो इधर उधर जैसे तैसे पढ़ाई कर लिया, बच्चे 2 महीने, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे 2 महीने में वो क्या करते हैं, उसका नींद आँख से, मतलब कि वो नींद उसका खुलती है, जागता है उन्हें लगता है कि नहीं अब पढ़ाई करना चाहिए या करनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे तो भैया गांव में बदनामी होंगे, घर में लात जूता खाएंगे और ना जाने क्या क्या होंगे। इसलिए उनको लगता है नहीं अब पढ़ाई करनी चाहिए या करना चाहिए, ठीक है, जो भी हो। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तब वो क्या करता है, निकालता है नोटबुक कॉपी किताब, जहाँ से निकालता है हाथ में लेता है, जब पढ़ाई तो हाथ में लेता है लेकिन उसका जो ये माइंड है ना कहीं और जाता है उसका, ठीक है। वो एंड्रॉइड फ़ोन पे उसका नज़र जाता है, नहीं फ़ोन लेना चाहिए, थोड़ा कर लेता है मैसेज ऐसे वैसे, ना जाने किसका मैसेज पड़ा होगा, होता है ना कौन सी वीडियो जैसे वैसे, तो उनका पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, मतलब पढ़ाई उनको ईजी नहीं लगता है। तो वो क्या सोचते थे, कल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे या बाद में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब वो क्या करता है, इसी तरह होते होते बीत जाता है टाइम। टाइम तो रुकने वाला नहीं है, टाइम आपको ही टाइम के साथ चलना होता है, टाइम आपके साथ नहीं चलने वाले भाई, आपको ही चलने होंगे, आप तो चलते नहीं, 90% विद्यार्थी जी चलते नहीं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम हॉल जाता है परीक्षा देने, एग्जाम हॉल से बाहर आता है, सुनिए कर भी सच्चाई क्या है, सुनिएगा, एग्जाम हॉल से बाहर आता है, क्या कहता है, दो क्वेश्चन तो लड़बे नहीं किया, सब हार था, भारी भारी, ना जाने कहाँ से पूछ दिया था, मॉडल पेपर फाइल हो गया, क्वेश्चन बैंक फाइल हो गया, लड़बे नहीं किया, क्वेश्चन मिलवे नहीं किया, सब कहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है। दोस्त में बोलता है, दोस्त में, घर में नहीं बोलता है, दोस्त में बोलता है। अब देखिए मम्मी पापा की बात करते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, उनसे उम्मीद लगा के रहते हैं, उनको घर में ना पढ़ने के बजाय, गाँव में ना पढ़ने के बजाय उनको शहर भेजते हैं, बड़ी शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, कि बड़ी शहर में पढ़ेंगे, अच्छे कोचिंग पढ़ेंगे, अच्छे टीचर के पास पढ़ाई करेंगे, जिससे कि अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। तो वो जैसे तैसे पैसे, मतलब कि इधर उधर से लाते हैं, जैसे तैसे उनके लिए मेहनत करते हैं, घर में कम खर्च करके घर चलाते हैं, लेकिन उनको पैसे देते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अब क्या होता है, एग्जाम हॉल से जब वो लड़का या लड़की, स्टूडेंट जी या जो भी स्टूडेंट जी, चाहे वो बॉयज जी या गर्ल्स जी, जो भी बाहर आते हैं, पापा का कॉल घुसता है, हेलो, हाँ हाँ पापा, प्रणाम भी करेगा, प्रणाम भी, हाँ एग्जाम हॉल से आ भी गए, हाँ आ भी गए,
ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। और फिर खान पापा के देखिए, पेरेंट पेरेंट क्या पूछता है, पहले पूछता है कि मतलब एग्जाम हॉल से आ गया, कहाँ है, रूम में है कि बाहर है, फिर खाना खाया तब ये सब पूछता है। उसी तरह उनके साथ भी होता है, खाना खा लो तो हाँ खा लिए, या अभी बना लेने छे, दो घंटा अभी थकलो आयो छे, थोड़ा आराम कर ले छे, तो दो घंटा हम जगबे खाना उना बना लेबे। तो उसके बाद जाके पूछता है एग्जाम कैसनो गले, ठीक है, तब जाके पूछता है, तब कहता है वो विद्यार्थी क्या कहता है सुनिएगा। वो विद्यार्थी कहता है एग्जाम तो बहुत बढ़िया रहा, ये सब क्वेश्चन बना दिलियो तो बहुत अच्छा रहा एग्जाम, इस तरह से कहता है विद्यार्थी जी। ठीक है, अब बात आता है रिजल्ट का। पेरेंट तो उसमें खुश हो गया कि हाँ चलो भैया बहुत अच्छा से एक बच्चे का एग्जाम गया। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, मम्मी पापा उदास हो जाता है। उदास हो जाता है, क्यों उदास हो जाता है सुनिएगा, इसलिए उदास हो जाता है, उन्होंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठा किए थे, ना जाने कहां कहां से पैसे लाए थे, ना जाने किस तरह उन्होंने पैसे कमाए थे और उन पे इन्वेस्ट किया, स्टूडेंट जी पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, पूंजी लगाया, उनसे मतलब कि मनोकामना किया, उनसे उम्मीद लगाया कि अच्छे नंबर से पास होंगे, मेरा पैसा इन्वेस्ट आई मीन पूंजी लगाया सफल होगा, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका वो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आया, वो थर्ड डिवीजन या फेल हो गया, फिर सेकंड डिवीजन आ गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दो महीना भी सही से पढ़ा नहीं, इस तरह से। तो देखिए आप में, अब देखिए माता पिता उदास हो गया, उनका सपना भी टूट गया, उनका उम्मीद भी टूट गया। तो अब अभी के समय में आप किसको धोखा दिए, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आप किसको धोखा दिया, आप अपने मम्मी पापा को धोखा दिया। ठीक है, मम्मी पापा को धोखा दिया, लेकिन 5 साल बाद आपको अभी पता नहीं चलेंगे, आपको यहाँ पे भले ही मम्मी पापा को आप धोखा दे दिए, लेकिन 5 साल बाद क्या होंगे, 5 साल बाद आपको पता चलेंगे कि जितना हम मम्मी पापा को धोखा दिए थे उससे ज्यादा हम खुद को धोखा दिए थे, अपने आप को धोखा दिए थे। ठीक है, तो यही है टॉपिक वीडियो की, कि झूठी मेहनत मत करो भाई, मतलब कि 10 मिनट इधर उधर व्यर्थ मत दो, 10 महीने जो आप पढ़ाई करते हैं, कोचिंग क्लास से आते हैं, नोटबुक रख देते हैं, वही हुआ झूठी मेहनत। अगर आप 10 महीने को भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और 2 महीने जो बच रहे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मतलब क्या, अच्छे से मतलब ये हुआ कि फाइनल एग्जाम से 10 दिन जैसे आप पढ़ाई करते हैं उसी तरह आपको 12 महीने पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद देखो रिजल्ट का परिणाम कितना अच्छे आएंगे, रिजल्ट एकदम मस्त रिजल्ट आएंगे यार, आप खुद कहेंगे अरे वाह इतना तो हम उम्मीद भी नहीं किए थे। तो आपको 12 महीने अच्छे से पढ़ाई करना है, चलो 12 महीने नहीं, कुछ महीने बीत गया, ठीक है, लाइक जो 24 में एग्जाम देंगे तो कुछ महीने बीत गया, चलो 8 महीना ही सही, 6 महीना ही सही, 5 महीना ही सही, 5 महीना आप उस तरह, 5 महीने आप उस तरह से पढ़ाई कीजिए, उस तरह से पढ़ाई कीजिए जैसे कि आप फाइनल एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ते हैं, 5 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, उसी तरह आपको अभी से पढ़ाई करना है एग्जाम तक।